भैया हमको समझ में नहीं आता, ये एक तो ये कमजोर हैं, मजबूर हैं और दया के पात्र भी हैं। इनको हमेशा कभी पुलवामा की कृपा चाहिए, कभी राम की कृपा चाहिए, कभी सीए की कृपा चाहिए, कभी प्रजापति की कृपा चाहिए, कभी नीतीश की कृपा, कभी चिराग की कृपा, कभी कुशवाहा की कृपा, कभी चौहान की कृपा, कभी मुनीम खलदरा की कृपा, कभी जो जो इनको गाली देता है उनकी इनको कृपा चाहिए। इतना कमजोर आदमी हमेशा ये अपने पुरुषार्थ पे चुनाव नहीं लड़ता है, ये हमेशा देश के सेंटिमेंट के साथ खेलता है। अरे बाप, मेरे पप्पू यादव को या दुनिया को राहुल गांधी जी को जितना गाली पड़ी है उतना गाली तो दुनिया में मीम पप्पू क्या नहीं कहा गया। एक्सपर्ट के में पढ़ने वाले जीनियस जो वर्ल्ड में 6,000-4,000 किलोमीटर चलने की हिम्मत 7 जन्म में किसी बीजेपी को नहीं होगी, और दिल जीतने की हिम्मत, और उसके बावजूद हमेशा एक ही बात हमको गाली देता है। अरे नरेंद्र मोदी जी, गाली से सीखो ना, यदि कोई गाली देता है तो उससे सीखो, उसको जनता के बीच में जबरदस्ती जाके कृपा मत बनाओ। आप जनता को बोलो कि आपने क्या किया, स्विस बैंक और एसबीआई बैंक में क्या हुआ, आप जनता को बोलो नोटबंदी में क्या हुआ, कोरोना में क्या हुआ, आप जनता को बोलो एमएसपी का क्या हुआ, आप जनता को बोलो रोजगार पे क्या हुआ, आप जनता को बोलो चाइना की कितनी फैक्ट्रियां आई, वियतनाम में सारा फैक्ट्री क्यों चला गया, आप जनता को बोलो ना कि कैठो स्कूल खोले, आप IIM कैठो खोले, IIT कैठो खोले, आप ये बोलो ना जनता को। हमको गाली देता है, हमको गाली देता है, ये जनता से हमेशा भीख क्यों मांगते रहते हो, क्या नहीं कुकर्म किए, आप किसको गाली नहीं देते हो, आप क्या नहीं कहते हो। बिना राहुल गांधी का नाम लिया, कांग्रेस परिवार का नाम लिए नरेंद्र मोदी जी जिंदा रह सकते हैं, खाना उसका पचेगा कभी?